फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के लिए पनीर टिक्का मसाला ग्रेवी की रेसिपी लेकर आए। बिल्कुल रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल, बहुत ही टेस्टी और इजीली घर पे बनकर तैयार हो जाने वाली रेसिपी। चलिए हम देखते हैं इसे हमें कैसे बनाया है। इसके लिए पहले हमने एक बाउल ले लिया था। बाउल में हमने शिमला मिर्ची का इस्तेमाल किया है और शिमला मिर्ची को हमने चौकोन टुकड़ों में काट लिया है, बड़े बड़े चौकोन टुकड़ों में काटा हुआ है। आप चाहे तो पीली और लाल शिमला मिर्ची भी ले सकते हैं। इस तरह के शेप में आप इसे काट लें। इसके साथ हमने प्याज लिए, उसे भी हमने बड़े बड़े चौकोर टुकड़ों में काटा है। आप इसे भी ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लें। साथ ही में हम इसके लेंगे टमाटर। टमाटर का मैंने अंदर से गुर्दा निकाल दिया था और सिर्फ उसका ऊपर का हिस्सा ही लिया था, उसको भी मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था। बड़े बड़े टुकड़ों में हमने पनीर भी काट लिया है, इसे भी हम ले लेते हैं। एक शिमला मिर्ची, एक प्याज, एक टमाटर लिया है, 250 ग्राम पनीर है ये, और 1 कप दही डाला है इसमें। इसमें हमने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसमें मसाले डाल देंगे, कसूरी मेथी 1 चम्मच, अनारदाना है ये मैंने आधा चम्मच लिया है, अगर अनारदाना पाउडर होता आप वो भी ले सकते हैं, जीरा पाउडर, ये हमने गरम मसाला डाला है आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, हमने लाल मिर्च लिए। पनीर टिक्का एकदम तीखा और चटपटा बनता है और बहुत टेस्टी बनके तैयार होता है। और आधा चम्मच हम हल्दी डाल देंगे, धनिया पाउडर ही है 1 चम्मच, ये हमने सरसों का तेल लिया है 1 चम्मच के करीब, इसे भी आप इसमें डाल दें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके, इसे मैरिनेट करके हम इसे छोड़ देंगे आधा घंटे के लिए। ये इस तरह से आप इसे मिक्स करके रख दें। अब हम इस मैरिनेट पनीर को आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम अपनी ग्रेवी का मसाला तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई रख दी है, तेल गर्म हो गया है, इस पर हम सारे खड़े गर्म मसाला डाल देंगे। काली मिर्च, इलायची, तेजपत्ता, लौंग, जीरा, दालचीनी और बड़ी इलायची। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हम ये खड़े गर्म मसाला डाल देंगे, गर्म मसाले सारे। आपको जो से मसाले पसंद है आप वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये मसाले तड़क जाए तभी हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट तैयार किया था वो डाल देंगे। इसमें 1 प्याज है और 1 टमाटर है मीडियम साइज़ के, उसका हमने प्यूरी बना लिया था। साथ ही में हम इसे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसे मिक्स कर देते हैं। अब हम इसे मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 ही चम्मच हम इसमें भी कसूरी मेथी डालेंगे क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं, तीखा ज़्यादा तीखा करना हो, कम तीखा करना हो, तेल आपको ज़्यादा ग्रेवी का ज़्यादा तेल चाहिए जिसे तरी ऊपर आए, या बिल्कुल कम तेल का बनाना हो, आप अपने हिसाब से मसाले और तेल यूज़ कर सकते हैं। इसे हम पकने देंगे। पनीर को हमने मैरिनेट करके रखा था, उसमें हमने नमक नहीं डाला था, अब हम नमक डाल देंगे। इसको आधा घंटा हो गया है मैरिनेट पनीर में, हम नमक अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। अब जो हमने मसाला बनाया है इसको हम चेक कर लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम आधा कप दही डाल देंगे, आप चाहे तो क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पनीर टिक्के में दही का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, आप इसे मिक्स करते हुए डालें ताकि ये फटे नहीं, वरना दही फट जाएगा। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए अच्छे से दही मिक्स हो गया और मसाला अच्छे से पक गया है। अब जो हमने पनीर को मैरिनेट करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। डाल के इसे अच्छे से आपको मिक्स करना है। अब इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे। अब इसमें बिरयानी मसाला है, ये थोड़ा हमने गरम मसाला लिया था, लेकिन पहले हमने इसमें गरम मसाला डाला, इसमें हमने बिरयानी मसाला डाला। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है पनीर टिक्का में। इसमें हमने 2 तरह के गरम मसालों का इस्तेमाल किया है और ये देखो अच्छे से बन के तैयार हो गई है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसे रोटी पराठा नान के साथ सर्व करें, गर्मा गर्म बहुत टेस्टी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे जो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। बिल्कुल टेस्टी ग्रेवी वाली पनीर टिक्का मसाला ग्रेवी घर पे ज़रूर बनाएं।